Good morning, my dear students. I am Aarti Sarve, and today we are teaching a new topic. That name of that topic is that fertilization of egg. So first of all, you have to know that what is a fertilization. Fertilization is a union of spermatozoa and egg and resulting formation of zygote. In our previous lecture, we have discussed spermatogenesis, means that process of formation of spermatozoa or sperm, and egg formation by the process of oogenesis. हमने दोनों प्रोसेस पढ़े हैं, उसमें से हमको पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म मिले, दूसरे प्रोसेस में हमको एग मिले. इन फर्टिलाइजेशन दोनों का फ्यूजन, स्पर्म और एग का फ्यूजन होने के बाद जो जायगोट मिलेगा, और ये जायगोट जब फॉर्म होगा तब होगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट. क्लियर दैट? यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग एंड गेट अ जायगोट. देन फर्टिलाइजेशन प्रमोट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट इंटीग्रेशन विद इन अ पॉपुलेशन. वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन? गिव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड गमेट्स, स्पर्म and egg, they are combined and form a diploid number of chromosomes. दूसरा है कि हमको new variations मिलते हैं, genetic variations, one set from mother, one set from father जो मिलेगा, and then they are together and form a new set of chromosomes. So fertilization से हमको एक न्यू सेट मिलता है. देन फर्टिलाइजेशन में एक एक्टिवेट होता है, इनिशिएट एनवलमेंट, इनिशियल एनवलपमेंट जो होता है एक्टिवेट होता है. देन द फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व. फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन एक्वाटिक एनिमल, अब एक्सटर्नल मीन्स क्या? दे रिलीज देयर गमेट्स इन अ वाटर. जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं इन उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. स्पर्म और ओवम जो है वो वाटर में रिलीज होता है, जैसे फिश में, फ्रॉग में. देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? स्पर्म रिलीज इन अ फीमेल जेनिटल ट्रैक एंड वहीं पे फ्यूजन होता है और वो पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में. क्लियर? टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. देन लाइफ स्पैन जो होती है हर गमिट की डिफरेंट होती है, विद स्पेसिस स्पेसिफिक होती है. मीन्स इन ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स लाइफ स्पैन होती है फीमेल गमिट, दैट इज ओवम की, और मेल गमिट की मोर देन 24 आवर्स, मोर देन मीन्स ज़्यादा नहीं, 24 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा. और हर एनिमल का उसका अलग अलग है. कुछ एनिमल्स की लाइफ स्पैन जो है वो टर्टल में हमको 4 ईयर्स देखने को मिलेगा. स्पर्म्स की जो लाइफ स्पैन है वो जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. हॉर्स में 144 डेज है. देन हर एनिमल का अलग अलग है, ठीक है, बट इन ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स है. देन वॉट इज़ अ कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस वेयर स्पर्मेटोजोआ एक्वायर द कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइज द एग. आफ्टर कैपेसिटेशन द डेवलप एबिलिटी टू पेनिट्रेट द एग मेम्ब्रेन. देखो कैपेसिटेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म रेडी होना. स्पर्म फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा एग मेम्ब्रेन को. बट वो एग मेम्ब्रेन, क्योंकि एग जो होता है हमने देखा है ओजेनेसिस की प्रोसेस में, एग के सराउंडिंग में नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं, देन द फॉलिकल सेल्स होते हैं. तो उसको पूरा पेनिट्रेट होते होते जाके वो न्यूक्लियस तक पहुंचना, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर स्पर्म. सो उसको उसके लिए तैयार होना, दैट इज़ द प्रोसेस इज अ कैपेसिटेशन. के थ्रू वो रेडी होता है. आफ्टर कैपेसिटेशन द डेवलप एबिलिटी पेनिट्रेट द एग मेम्ब्रेन. वो एग मेम्ब्रेन में वो कैपेसिटी डेवलप करता है कि मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट हो सके. देन केमिकल फैक्टर इन्वॉल्व इन अ फर्टिलाइजेशन. केमिकल फैक्टर यानी कौन से? तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अ कीमोटैक्सिस. इन सर्टन एनिमल स्पर्म्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द एग्स बाय अ केमिकल. देखो
इन एक्वाटिक एनिमल में क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल दे रिलीज देयर स्पर्म, दे रिलीज देयर ओवम इन अ वाटर. अभी एक फिश ही है क्या, वन ही स्पेसीज वहाँ पर रहती है क्या, नहीं. देयर आर लिविंग अ नंबर ऑफ स्पेसीज और सभी ने रिलीज किए हैं कहाँ पे वो स्पर्म एंड एग्स, वाटर में रिलीज किए है. इन दैट कंडीशन बराबर उसी स्पर्म का, वही स्पेसीज का स्पर्म उसी ओवम के साथ अटैच जब होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा. तो ये कैसे कैसे होता है, ये ऐसा होता है, बट ये कैसे होता है, तो वो जो ओवम है, जो एग है दैट, और वो स्पर्म है दैट रिलीज सम स्पेसीज स्पेसिफिक केमिकल्स. जो केमिकल प्रेजेंट जो होते कोरियन, जो एग के सराउंडिंग में लेयर होती है, दैट रिलीज सम केमिकल्स, और उस केमिकल्स के स्मेल से वो स्पर्म, बराबर इतने सारे स्पेसीज के एग्स और स्पर्म है, बट अपने स्पेसीज का स्पर्म एक वो ढूंढ लेता है और उसके साथ बराबर बाइंड होके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. तो इसके लिए कीमोटैक्सिस होना बहुत ज़रूरी है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होता है इन एक्वाटिक कंडीशन, वहाँ पे कीमोटैक्सिस का बहुत ज़्यादा रोल है, यानी केमिकल्स का रोल है. तो अदर देन कीमोटैक्सिस दूसरी एक प्रोसेस है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन. अभी ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन कैसे होती है, तो स्पर्म आइडेंटिफाई द एग बाय द रिएक्शंस बिटवीन फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग. स्पर्म आइडेंटिफाई करते हैं ये हमारे स्पेसीज के हैं या दूसरे स्पेसीज के हैं. फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट जो होता है वो एक सरफेस पे होता है और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म. एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म में और फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट ऑन अ एग सरफेस. दैट इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड मॉलिकुलर वेट 3 lakhs. देखो ये जो फर्टिलाइजिंग हम बोल रहे हैं कैसे प्रेजेंट होता होगा, ये सरफेस है एक, तो उसके सराउंडिंग में यहाँ पे ये फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होते होंगे और यहाँ से जो स्पर्म आएगा देन स्पर्म हैविंग एंटी फर्टिलाइजिंग, दोनों के बीच में रिएक्शन होंगी. अगर ये लॉक एंड की जैसा होता है, अगर उसमें फिट बैठ गया तो उसको समझ में आता है ये अपने ही स्पेसिस का है, देन इट इज़ रेडी टू पेनिट्रेट. देन फर्टिलाइजिंग जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे या जेली कोट में होते हैं. देन एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म्स एंड इट्स अ मॉलिकुलर वेट इज 10,000 ओनली. देखो दिस इज अ डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग. फर्टिलाइजिंग ये है, ये फर्टिलाइजिंग देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्टिलाइजिंग कैसा है कि उसमें लॉग जैसा है, और ये एंटी फर्टिलाइजिंग, ये एंटी फर्टिलाइजिंग मैंने बनाया है इस तरीके से, ये लॉक एंड की, या हम उसको बोल सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जैसी होती है, दोनों एक दूसरे में फिक्स बैठ जाते हैं. एंड फर्टिलाइजेशन मॉलिक्यूल जो होते हैं दे हैविंग अ रिसेप्टर साइड, ये देखो रिसेप्टर साइड, ये यहाँ पे बराबर फिट बैठेगा दैट साइड, और इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग साइड. दिस रिसेप्टर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटी फर्टिलाइजिंग, बिल्कुल यहाँ पे अगर उसी स्पेसिस का है तो यहाँ पे ये फिट बैठेगा और नहीं है तो यहाँ पे नहीं बैठेगा. दैट मीन्स इट इज़ अ स्पेसिस स्पेसिफिक रिएक्शन. व्हेन एग एंड स्पर्म रिलीज इन अ वाटर फर्टिलाइजिंग पार्टिकल एम्ब्रांस द एंटी फर्टिलाइजिंग पार्टिकल एंड रिजल्ट द स्पर्म एग्लूटिनेशन और क्लम टुगेदर एंड दिस रिएक्शन इज अ स्ट्रिक्टली स्पेसिस स्पेसिफिक. तो ये स्पेसिस स्पेसिफिक रिएक्शन है. देन फर्टिलाइजिंग एक्टिवेट अ स्पर्म एंड इनिशिएट अ रिएक्शन एंड इट अवॉइड अ पॉलीस्पर्मी. वॉट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉलीस्पर्मी. नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल स्पर्म ही एंटर करता है, ओनली वन स्पर्म एंटर इन अ एग एनवलप है, जैसा ये एग है तो एक ही स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म आके यहाँ पे अटैच होते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं एट बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत सारे बनते हैं, बट बहुत सारे आते हैं, बट एक ही स्पर्म जो है एंटर कर सकता है ये अंदर. तो दैट इज अ वन, एक ही आना यानी मोनोस्पर्मी.
मोनोस्पर्मी, बट एक साथ अगर ज़्यादा स्पर्म आते हैं, ये भी घुस गया अंदर, ये भी घुस गया, दैट मीन्स अ पॉलीस्पर्मी। तो ये पॉलीस्पर्मी कैसे होती है? पॉलीस्पर्मी की जो प्रोसेस होती है इन ये जो प्रोसेस होती है ये हार्मफुल मीन्स ये एबनॉर्मल कंडीशन में होती है, एबनॉर्मल कंडीशन में ही पॉलीस्पर्मी प्रोसेस होती है, नहीं तो सब में मोनोस्पर्मी ही होती है। देखो क्योंकि हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेट है एक और दूसरा हैप्लॉयड आएगा तब बनेगा वो डिप्लॉयड, अगर मोर देन वन स्पर्म्स एंटर हुए दैट मीन्स वहाँ पे ट्रिप्लॉयड होने के चांसेस है और इट इज़ एबनॉर्मल कंडीशन, वो वैसे ही जायगोट नहीं बनेगा और बनेगा तो भी वो सर्वाइव नहीं करता है। तो ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, क्योंकि ये कुछ कुछ ही केमिकल स्प्रेड करेगा और कुछ ही स्पर्म उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, उससे मीन्स बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं क्या, नहीं कुछ स्पर्म आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उसमें से एक एंटर करेगा, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन एक्टिवेट स्पर्म्स एंड इनिशिएट एक्रोसोम रिएक्शन। अभी हम देख रहे हैं ये बहुत देर तक यहाँ पे अटैच रहता है, ठीक है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग के बीच में रिएक्शन होने के कारण थोड़ा टाइम वो वहाँ पे स्पेंड करता है, तो ये यहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन अगर उसी स्पेसिस का है तो वो एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट करता है। एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, एक्रोसोम क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लास इनफ। एक्रोसोम फॉर्मेशन में हमने देखा था स्पर्मियोजेनेसिस में जो गोल्गी बॉडी से एक्रोसोम बना एंड दैट एक्रोसोम हैविंग सब एंजाइम लाइटिक एंजाइम दैट डिजॉल्व द एग मेम्ब्रेन, मैंने बताया था और ये भी बताया था कि फर्टिलाइजेशन चैप्टर हम जब पढ़ेंगे दैट टाइम मैं रिपीट करूँगी, तो यहाँ पे मैं अभी और वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के कारण यहाँ पे अगर वही स्पेसिस का है तो यहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। स्पर्म, अभी स्पर्म पेनिट्रेशन क्या है, मैंने जैसे बताया था कि स्पर्म रिलीज लाइसिन एंड इट प्रोड्यूस बाय एक्रोसोम। एक्रोसोम कैसे होता है, एक्रोसोम समझो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सामने जो प्रोसेस एक होती है गोल्गी एपरेटस की, ये स्पर्म है, ठीक है, तो दैट कंटेन इट इज़ एक्रोसोम, एक्रोसोम एंड इट कंटेन अ लाइटिक एंजाइम एंड दैट लाइटिक एंजाइम्स ये एक्रोसोम बनाता है और ये एंजाइम क्या करते हैं, एग एनवलप अगर है तो ये एक्रोसोम यहाँ पे रिलीज हुआ, हाँ ये रिलीज करते हैं और इसको डिजॉल्व करते हैं, ये मेम्ब्रेन को यहाँ पे डिजॉल्व करते हैं और ये न्यूक्लियस को अंदर एंट्री दिलवाते हैं। तो ये है क्या है, ये लाइटिक एंजाइम के बारे में, इट डिजॉल्व एग मेम्ब्रेन एंड मेक वे फॉर स्पर्म एंट्री। देन मैमल्स एग सराउंडेड, अभी हमने देखे इसके पहले भी हमने देखा है मैमल्स के एग्स कैसे होते हैं, सराउंडिंग रहते हैं यहाँ पे ही, ये समझो एग है तो उसके सराउंडिंग में क्या रहते हैं, बहुत सारे फॉलिकल सेल्स रहते हैं, मैंने बताया था आपको, तो ये फॉलिकल सेल्स को काट, ये सब फॉलिकल सेल्स एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, हाइलूरोनिक एसिड, कौन से एसिड से जुड़े होते हैं, हाइलूरोनिक एसिड, और ये एसिड्स को काटने के लिए ये स्पर्म्स मीन्स मैमल्स में ये जो एक्रोसोम है रिलीज करता है हाइलूरोनिडेज एंजाइम, हाँ हाइलूरोनिडेज एंजाइम, ये एंजाइम से ये सब जो है डिजॉल्व होते जाती है, यहाँ से हटती है और ये जो न्यूक्लियस है इजीली अंदर पेनिट्रेट करता है। तो दिस इज अबाउट अ स्पर्म पेनिट्रेशन, क्लियर मीन्स यहाँ पे कुछ एंजाइम रहेंगे और उस एंजाइम से वो एंट्री पाथ बनाता है अपनी। देन मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी समझ में आया, मोनोस्पर्मी यानी सिंगल स्पर्म, सिंगल एंट्री होती है यहाँ पे, एक ही स्पर्म के अंदर सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर जा सकता है, दैट इज अ मोनोस्पर्मी, इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। ये एनलेड्स, इकाइनोडर्म्स, बोनीफिशेस, फ्रॉग्स, सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। पॉलीस्पर्मी मीन्स एक साथ नंबर ऑफ
स्पर्म्स यहाँ पे आते हैं, बट एंट्री एक की होती है, बट पॉलीस्पर्मी इट इज़ अ एबनॉर्मल कंडीशन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड रिमेनिंग प्रोसेस मीन्स एक्रोजोम रिएक्शन है. देन रिमेनिंग मेन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.